हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर में अचानक चक्रवर्ती तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। चक्रवर्ती तूफान का बवंडर आने से लगभग एक दर्जन मकानों की दीवारें और छत गिर गई, जबकि कई मकान भी जमींदोज हो गए। हादसे में लगभग आधा दर्जन ग्रामीणों के घायल होने की खबर है। तूफान में जड़ सहित कई पेड़ उखड़ गए, जबकि मंदिर में लगा विशाल पेड़ भी सड़क पर आ गिरा। गांव में स्थित मंदिर और विद्यालय की दीवार भी पेड़ की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हादसे का शिकार हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि अधिकारियों की ओर से नुकसान का आकलन कराए जाने का भी दावा किया जा रहा है। वहीं हादसे के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए पुराने वे कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को मकानों से बाहर रहने की हिदायत दी है। आशंका जताई जा रही है कि तूफान फिर मुड़कर तबाही मचा सकता है। तूफान की तबाही की गवाही देती तस्वीरें बुलंदशहर के सियाना तहसील के उसी सूरजपुर ढीकरी गांव की हैं, जहां पहले जमीन से चक्रवर्ती तूफानी बवंडर का गुब्बार उठता दिखाई दिया। उसके बाद इस तूफान की जद में आकर कई मकान जमींदोज हो गए। तेज रफ्तार से गुजरने वाले तूफान के बवंडर की चपेट में आने से एक दर्जन मकानों की दीवारें, छतें, टीन शेड आदि धराशाही हो गए। मकानों के अंदर मौजूद बच्चों, महिलाओं सहित लगभग आधा दर्जन ग्रामीणों के घायल होने की खबर है। फिलहाल सभी घायलों को बुलंदशहर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बवंडर की खबर के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। पीछे ही था थोड़ा। क्या क्या देखा था आपने? ऐसे ही देखा था, एक तूफान बहुत तगड़ा आया काला सुरंग का, और एक ऐसे आवाज आई जैसा हवाई जहाज की आवाज आती है, तड़ाक देसी, और एकदम चक्रवी तूफान की तरह आया और झड़ दीजिए गिर गए, मकान गिरे तकरीबन यहाँ। तो ये पहले यही गिरा था, लेकिन हमें तो ये पता चला और कहाँ आए ने, इसको जो देखा गांव में पता पड़ी इसको, यहाँ इसमें चार लोग दब गए थे, पांच लोग थे इसमें, दो बाहर के थे, दो तीन मुकामी लोग थे, वो दब गए। गांव के लोगों ने बड़ी मेहनत से उन बच्चों को उनको निकाला, निकालने के बाद में फिर बुलंदशहर भेजा, औरंगाबाद से बुलंदशहर उछले। तकरीबन यहाँ मकान गिरे बारह, नुकसान है तकरीबन 50 में जी। मैंने तो तूफान देखा था। क्या क्या कैसा लगा था, एकदम क्या हुआ था? अचानक ये लगा था कि ऊपर देखा था बबूले छोड़ रहे थे और धुम धुम की आवाज़ आ रही थी, और एकदम जैसे हेलीकॉप्टर गिरता ना धुआं धुआं बिखेर देता था, इस हमारा देखा था मकान पे एकदम जो मकान गिरा है इस पर, गिरने के बाद में डिसमिस होगा नीचे। इसके अंदर तीन लोग घायल हो गए, एक और चोट आई थी, एक दो बाहर के थे, तीन इसके अंदर थे। कुल कितने मकान गिरे हैं? कुल मकान ये हैं कि 14-12 के लपेट में मकान गिर चुके हैं, और बाकी लोगों में 50 मकानों में नुकसान है, उनमें दीवार गिर गई, किसी की भैंस दब गई है, किसी की गाय दब गई है। तालाब का क्या बता रहे थे? तालाब का ये है जी, जब देख मैंने अपनी आंखों से तालाब को देखा तो उसकी कम से 40-50 फुट ऊंची पानी ऊपर उठ रहा था उसका। जब ये भूचाल तालाब के ऊपर घूम रहा था तो पानी ऊपर उछल रहा था, कम से कम 50-60 फुट ऊंचा उछल रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे, मैंने ये क्या हो गया, मैं अपने घर वालों से बोला, अपनी माँ से, मम्मी से, अम्मी से, सबसे बोला घर बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैदान में आए, मैदान में आने के बाद में देखा तो, और गाँव के ऊपर एक पीपल था, पीपल के पास में देखा बीच में से पीपल चिर गया, चिरने के बाद में सड़क पर गिर गया, सड़क पर गिरने के बाद में दीवार भी गिर गई। ये सूरजपुर टीकरी गाँव है, औरंगाबाद थाना के अंतर्गत, तहसील सियाना पड़ता है ये। इसमें 4 बजे के करीब चक्रवाती तूफान आया, जिसमें जो पुराने घर थे करीब 10 से 12 की संख्या में, अभी हम लोग उसको पता करा रहे हैं, वहाँ पर कुछ गिरे हुए हैं जिनकी दीवारें 4 इंच की थी, वो ज़्यादा गिरे हुए हैं, और 7 लोग इसमें इंजर्ड हैं जिनको CSC औरंगाबाद में एडमिट कराया गया है। कोई गंभीर स्थिति नहीं है, उन लोगों की सामान्य स्थिति है, दवा इलाज चल रहा है। नुकसान कितना का हुआ है? अभी नुकसान का आकलन राजस्व विभाग की टीम और आपदा की टीम आ रही है, और वो आकलन करके तो रिपोर्ट पेश करेंगे। और पशुओं की क्या स्थिति है? हाँ, पशुओं को भी बता रहे हैं कि कुछ घायल हुए हैं, उनके लिए CDO मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को यहाँ पर बुलाया गया है। मौके पर हम लोग हैं, स्थिति सब लोगों से वार्ता करके जन सहयोग के माध्यम से स्थिति को नियंत्रण करने में हम लोग लगे हुए हैं। स्थिति कोई ऐसी भयावह नहीं है, नॉर्मल स्थिति। अब क्या स्थिति? अभी सब लोग नॉर्मल स्थिति है। लोगों से ये भी बताया गया है कि दोबारा भी आ सकता है, इसलिए जो कमजोर घर है जिनकी दीवारें मजबूत नहीं है, वहाँ से हट करके किसी मजबूत, जो दीवारें हैं जिनका घर मजबूत है, नया घर बना है, उसमें शिफ्ट होने के लिए उनको सहयोग के लिए अपील किया गया। पीड़ितों की माने तो बवंडर ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया।
पुलिस अधिकारियों ने गांव में अलर्ट जारी कर पुराने और कच्चे मकानों में न रहने की ग्रामीणों को हिदायत दी है। तो वहीं चक्रवर्ती तूफान से हुए नुकसान का आकलन तहसील विभाग की टीम द्वारा कराए जाने का दावा किया जा रहा है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।